देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं। ऐसे ही आज एक सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष यादव, जिनसे आज हम पोस्ट कोविड पर बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर संतोष यादव से। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्ते श्वेता जी, और आपके प्राइम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा सादर नमस्कार। सर, आज हम पोस्ट कोविड पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर पोस्ट कोविड है क्या, उसके क्या लक्षण होते हैं पोस्ट कोविड के। देखिए, पोस्ट कोविड, कोरोना के बाद, कोविड की महामारी होने के बाद जो लोग कोरोना से लड़के, कहा जाए जिसे जीत लिए हैं, कोरोना से वापस आ गए हैं, उनको जो कुछ लक्षण हैं वो दो प्रकार के लक्षण आ रहे हैं लोगों में, ऐसा देखने को आ रहा है, कुछ शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में लक्षण आ रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, हृदय गति बढ़ी हुई है, कोई कहता है सर चेस्ट पेन हो रहा है, कोई कहता है बदन दर्द हो रहा है, किसी का पैर दर्द हो रहा है, थकान लगी हुई है, अत्यधिक कमजोरी हो रही है। और मानसिक में कुछ लोग को डरे हुए हैं कि ऐसी स्थिति से लौट के आए हैं, उनको बार बार लग रहा है कि अरे हॉस्पिटल में मेरे बगल के बेड वाले की डेथ हो गई, ऐसा हो गया, तो मानसिक रूप बहुत स्ट्रेस में है, तो उनको भी बार बार ऐसा। तो दो से है लक्षण, एक जो है फिजिकल और दूसरा साइकोलॉजिकल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी कई सारे लक्षण की बात की है, जैसे बॉडी पेन की बात की है, चेस्ट पेन की बात की है, तो चेस्ट पेन किस तरीके का चेस्ट पेन होता है जो लोगों को, मतलब ये कहा जा सकता है कि पोस्ट कोविड के बाद है, कि चेस्ट पेन के और भी कई फॉर्म्स होते हैं, तो वो पोस्ट कोविड का ही फॉर्म है, ये कैसे पता करते हैं? देखिए, जब कोई आता है चेस्ट पेन लेके बताता है कि मुझे, तो उसका साइट आंसेट एक जब, मतलब वो कैसा है, कहाँ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और वो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वो मालूम चल सकता है कि कैसा चेस्ट पेन है, सांस लेने पर दर्द हो रहा है, या चलने पर दर्द हो रहा है, या जो है बैठे बैठे दर्द हो रहा है, तो ये डॉक्टर रूल आउट कर लेंगे, जब आप किसी की सलाह लेंगे तो बता देंगे कार्डियक पेन है, या ये लंग्स में जो अभी अभी आप कोविड से रिकवर होके आए हैं उसका पेन है, ये किस टाइप का दर्द है, ये डॉक्टर सलाह पे ही मालूम चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे चेस्ट पेन की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये भी कहीं सुनने में आता है कि जो पोस्ट कोविड के पेशेंट है उसमें हार्ट अटैक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक बहुत ज्यादा जो दर है उसकी दर बढ़ती जा रही है, वो पोस्ट कोविड की वजह से ही है या कोई और कारण है? देखिए, हार्ट अटैक का तो कई कारण है, पहले से भी हार्ट अटैक, जहाँ तक आप कोविड पे, आज की हमारी चर्चा है कोविड, तो कोविड पे हार्ट अटैक प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों ढंग से हो सकता है। होता क्या है, हार्ट अटैक में पेशेंट जब प्री कोविड होता है तो कोविड होने के कारण उसको ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है, जब उसको पेशेंट को इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, कोविड का वायरल लोअर लोड बढ़ा और उसके कारण बॉडी ने इन्फ्लामेटरी रिस्पांस उत्पन्न किया, उससे उसकी इम्यूनिटी जो है, उसके रिस्पांस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बूस्टअप हुई, और इम्यूनिटी क्या करती है, वो आर्टरी में सूजन कर देती है, और वो सूजन ब्लड की आर्टरी की सप्लाई को धीरे धीरे थक्के के रूप में जमाता है, और वही आगे चल के हार्ट में हार्ट अटैक करता है, और यही कभी कभी लंग्स की तरफ हो जाता है, सेम यही चेस्ट पेन के ही, अगर ये लंग्स की तरफ होता है तो ये लंग्स में इसी तरह इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस उत्पन्न होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के बाद वो लंग्स की आर्टरी में सूजन क्रिएट करता है, और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सडन डेथ हो जाती है। सेम यही अगर ब्रेन की आर्टरी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस उत्पन्न होता है, वहाँ इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वहाँ थक्का जमता है तो स्ट्रोक हो जाता है, और यही चेस्ट पेन कभी कभी दिखाता है मसल, अगर बहुत दिनों तक पेशेंट काफ़ी मॉडरेट सीवियर कोविड पेशेंट है, और ऐसे पेशेंट में क्या होता है, मसल में कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मसल में वो वीकनेस कर देता है, जिससे उसको एक टेस्ट होता है, हम लोग ट्रोपोनिन का टेस्ट कराते हैं, उसके थ्रू ये मालूम करते हैं कि हार्ट के मसल पर पोस्ट कोविड क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको देखते हैं वो बढ़ा हुआ है, इसीलिए जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम लोग ECG इको कराते हैं, और फिर 4 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करते हैं
कि कोई ऐसी संभावना, मतलब हार्ट के मसल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। अगर हार्ट की मसल को नुकसान पहुंचाएगा, वहां जो चेस्ट पेन होगा एंजाइना एंड एक्जर्शन होगा। अगर पेशेंट चलेगा, चलते समय वो छाती में भारीपन बताएगा कि सर जब मैं चलता हूँ तो उस समय दर्द होता है, चलने पे सांस फूलती है, उसके लक्षण डिफरेंट हो जाएंगे। इसी कोविड से जो खांसी आ रही है उसमें बोलेगा चलने पे, सर जब मैं चलता हूँ तो मेरी सांस, दो कदम चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। तो उसके लिए हम उसका अलग से ट्रीटमेंट देखते हैं। पैरों में वो सूजन बताता है कि सर मेरे पैरों में सूजन आ रही है, और तो इस तरह के लक्षण हम लोग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी आंतों में थक्के जमने वाली बात जो भी बोली है, हाल ही में मुंबई में कई केसेस ऐसे आए हैं जो आंतों में थक्के जमने की वजह से ही कई सारे केसेस आए, वो क्या है और कैसे हो रहा है? देखिए, अभी हमने बताया जैसे थक्का, इसी ब्लड क्लॉटिंग को हमने अलग अलग जगह आपको बताया कि ये ब्रेन में अटैक कर रहा है स्ट्रोक, लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट में हार्ट अटैक। इसी तरह सेम अगर यही एम्बोलिज्म ब्लड सप्लाई मेसेंट्रिक आर्टरी होती है इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जो होती है वहाँ मेसेंट्रिक आर्टरी के आर्टरी में अगर खून का थक्का जम जाता है तो वो वहाँ पे गैंग्रीन क्रिएट कर देता है। गैंग्रीन मींस आगे ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। तो वो छोटी आंत में जो आप सुन रहे हैं वो थक्का जमने की जो घटना हो रही है एक्यूट मेसेंट्रिक इस्चीमिया, मुंबई में ऐसे कई केस देखने को मिले हैं। उसमें क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना होता है, पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम देता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, दर्द के साथ उल्टी हो रही है और लगातार दस्त हो रहा है, बुखार हफ्तों से आ रहा है। तो ऐसे लोग इग्नोर न करें, तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग वैसे तो कोविड के रिगार्डिंग लोग डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर से कंसर्न ना करके खुद होम आइसोलेशन में चले जाते हैं, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट उन्होंने कर लिया। अगर ऑनलाइन भी कंसर्न नहीं किया है तो जो एक प्रिस्क्राइब की गई है, पर्टिकुलर एक कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है कि कोविड अगर आप पॉजिटिव हैं तो इस तरीके से आप ये वाली मेडिसिन, तो लोग खुद से ही वो मेडिसिन लेने लगते हैं। तो कहा जा रहा है कि उन लोग को ये पोस्ट कोविड की जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा होती है, क्या ऐसा है? अगर है तो क्यों है? देखिए होता क्या है कि जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में पहले लोग बहुत डरे हुए थे, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, कहीं वो हॉस्पिटल के डर से हैं। घरों में एक आदमी ठीक हुआ, वो जैसे चिकित्सीय सलाह लेके फ़ोन पे ठीक हुआ, सेम इसी तरह वो चाहता है कि हमारे साथ वाले को भी उसी दवा वही दवा खिला दे और वो ठीक हो जाए। होता क्या है, सिम्टम दोनों में डिफरेंस थे। होता क्या, कोई का किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर लो हुआ है, 90s के नीचे आया हुआ, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95-94 से ऊपर है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। और वो पेशेंट करता क्या है, वो सेम मेडिसिन वही लेता रहता है। होता हो ये क्या करता है, उसके लंग्स में फाइब्रोसिस क्रिएट कर देता है। दोनों कंडीशन अलग है, और वो उसके बाद डॉक्टरी सलाह ना लेके वही दवा जो बेसिक मेडिसिन है उसको खाता रहता है और उसकी स्थिति खराब हो जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग अस्पतालों में देखें, जब ऐसे पेशेंट जब भी आते हैं अस्पताल में, बहुत गंभीर अवस्था में आते हैं, उनका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, फीवर काफ़ी ज़्यादा होता है और लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो चुकी होती है। ऐसे पेशेंटों में जो आपने पूछा, उनको वो स्थिति खराब हो जाती है। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोस्ट कोविड से रिकवर करने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन भी यूज़ करते हैं? जैसे बॉडी पेन हो रहा है या जो चेस्ट पेन की बात आपने की है, तो उसमें आप क्या कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन भी बताते हैं या ऐसे ही नॉर्मल आप उसको कोई और सलाह मशवरा देते हैं? देखिए मैडम, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि पोस्ट कोविड वो किस ग्रेड में सही हुआ, पहले उसका प्री कोविड क्या स्टेटस था, वो घर पे सही हो गया, माइल्ड ग्रेड का इन्फेक्शन था या मॉडरेट ग्रेड का इन्फेक्शन था या सीवियर इन्फेक्शन था, उस हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं कि वो बॉडी एक किस टाइप का बता रहा है। मसल पेन है, सिंपल उसको बॉडी एक हो रहा है कि दर्द हो रहा है, कमजोरी फील हो रही हो, क्योंकि बॉडी में देखिए 70% पानी होता है। तो होता क्या है, कई लोग हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते, पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। पानी की मात्रा बढ़ाने से कुछ लोग सही होता है, किसी को कास्टोकांड्राइटिस होता है, पेन वो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन बीच में जो हड्डियां होती हैं उसके बीच में थोड़ा वायरस इन्फेक्शन हो जाता है मसल्स के अंदर, उससे उनको चेस्ट पेन है, हल्का जो है उसे मसल रिलैक्सेंट दे के उनको ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्राणायाम या इससे करके ठीक हो जाते हैं। तो हमें ये स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि पोस्ट कोविड वो प्री कोविड क्या स्टेटस थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी
अच्छा, मतलब प्री कोविड जानने के बाद ही आप उसको सजेस्ट करते हैं कि कोई मेडिसिन्स वगैरह लेनी हाँ है या नहीं लेनी है। जी, ये इसमें ऐसा होता है कि, और रही बात आपने एक दूसरा क्वेश्चन उसमें किया था कि आप क्या दवाइयाँ देते हैं, जी वो दवाइयाँ डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन क्या है। चेस्ट पेन आपने पूछा, चेस्ट पेन किस वजह से है, जब हम वजह समझ लेंगे कि उसका चेस्ट पेन लंग्स की पैथोलॉजी से हो रहा है या हार्ट की पैथोलॉजी है या पहले से हार्ट का पेशेंट है या कोई पेशेंट पहले से कोई और परेशानी तो नहीं हो रही, उस हिसाब से देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट है वो नॉर्मल अगर अपना हाइड्रेशन रख रहा है, प्रोटीन डाइट बढ़ा दे रहा है, प्राणायाम प्रॉपर कर रहा है, तो रिकवर हो जाते हैं। जी। अच्छा, ठीक होने के बाद किन बातों पर खास ध्यान रखा जाता है कि क्या चीज ध्यान में रखी जाए, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली अगर वो पर्सन कोविड से रिकवर हुआ है तो कोई खास बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखा जाए? देखिए, खास बात यह है कि सबसे पहले ऑलरेडी आप देखिए, आपके पास जो है सेचुरेशन प्रोब रहता ही है, आपको ऑक्सीजन अपना देखिए। आप जब होम आइसोलेशन में आ जाएं, अस्पताल से ठीक हो के मॉडरेट या सीवियर पेशेंट आए, तो उसके थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करते रहें उसके बाद। लेकिन 99 तक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो मेडिसिन लेके आया है, सब कुछ चला है, स्टेरॉयड उसका टेपर ऑफ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट है तो उसको सब टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, उसको अपना सेचुरेशन मेजर करना है कि हमारा सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है, और उसको कुछ जो है एक्सरसाइजेज हैं जिस पे उसको ध्यान रखना है, और उस एक्सरसाइज को ग्रेडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, उसको धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाना है, और खाने पीने में प्रॉपर उसको ध्यान रखना है कि हमारी डाइट प्रॉपर हो, नींद हम प्रॉपर लें, ये सब को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज लंग्स की है जिसको हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि इसको ऐसे करिए, तो उस हिसाब से देखिए। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज कुछ होता है कि उसका भी एक कोई क्राइटेरिया तय किया गया है, जैसे अगर हम रनिंग की बात करें या साइकिलिंग का कुछ लोग करते हैं, जैसे नॉर्मल वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं कि ये नहीं करनी है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस बहुत हार्ड होती हैं, तो वो ना करके धीरे धीरे उनका बढ़ाना? देखिए, होता क्या है, जब कोई कोविड से रिकवर होके आता है तो माइंड में ऐसा रहता है, वो चारों तरफ सुनता है कि अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। पहले वो रनर होता है, वो दौड़ना शुरू करता है। तभी मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक के बारे में बताया। तो जो पेशेंट है ऐसा नहीं, अगर वो आया है तो उसको पहले ग्रेडिंग एक्सरसाइज करना है, उसको लंग्स की एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, हल्का हल्का वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, जैसे बैलून ब्लोइंग ऑफ बैलून करे, मतलब वो बैलून फुलाए, 10-10 बैलून सुबह शाम 5-5 मिनट तक एक्सरसाइज करें, और वो एक मार्केट में स्पायरोमीटर आता है उसे ले ले, उसे आप स्पायरोमीटर यूज करिए, और आप जो है कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज होती है, कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपका कपालभाति है, प्राणायाम के थ्रू आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसको करते करते धीरे धीरे आप लंग्स की अपनी जो है कंडीशन में इम्प्रूव करिए, उसके बाद आप दौड़ने की तरफ अभी नहीं जाना, उसके बाद आप अपना धीरे धीरे 15 मिनट का वॉक करिए, आप अपना सेचुरेशन चेक करते रहिए, कि आफ्टर एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है कि आप चलने के पहले आपका क्या सेचुरेशन था, जब आप बैठे हुए थे 6 मिनट वॉक करने के बाद आप अपना सेचुरेशन चेक करिए, अगर आपका सेचुरेशन फॉल नहीं हो रहा है, 2 या 3 से ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो अभी आपकी वो कंडीशन नहीं है कि आप एकाएक, कई लोग ऐसा सुनने में आता है देख देख रहे हैं कि कहा गया 30 सेकंड तक आपको ब्रीदिंग ब्रेथ होल्ड करना है, लेकिन वो 1-1 मिनट तक ब्रेथ होल्ड कर लें, वो करें हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, 30 से 40 मिनट से ज़्यादा ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज अभी नहीं करना है, धीरे धीरे उधर ग्रेडिंग टाइप का उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो पहले दौड़ते थे, आए वो 2-4 दिनों बाद अपना रनिंग स्टार्ट कर दिए, आपको मिनिमम 4 वीक वेट करना है, खासतौर पर रनर के लिए, एथलेटिक के लिए 4 हफ्ते तक आपको कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, कोई दौड़ने भागने का कार्य आपको 4 हफ्ते तक नहीं करना है, जब तक धीरे धीरे आप पहले 10 मिनट चलिए, फिर 15 मिनट चलिए, फिर ब्रिस्क वॉक करिए, फिर अपना रनिंग, उसके बाद एक इको, एटलीस्ट जिसको भी सांस फूल रही है एक सलाह जरूर डॉक्टर चिकित्सक की सलाह लें, ईसीजी और इको कराएं, अगर हृदय गति अनियमित हो रही है तो अलग कंडीशन है, तो इस सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, अभी आप हमसे डाइट के लिए भी आपने हमें बोला था कि एक डाइट वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो किस तरीके की डाइट हमें शामिल करनी चाहिए पोस्ट कोविड के दौरान? देखिए, पोस्ट कोविड जहाँ तक आपने डाइट का पूछा, तो नॉन वेजिटेरियन लोग और वेजिटेरियन, 2 टाइप की डाइट है,
जो वेजिटेरियन लोग शाकाहारी लोग हैं उनको खाने में पनीर की मात्रा, हमारा पर्पज है प्रोटीन, मसल क्या होती है, मसल में वीकनेस आ जाती है तो हमें प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है, तो प्रोटीन हमारा पनीर है, दालें हैं, आपका सत्तू है, चना है, ग्रीन वेजिटेबल, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इसको खाने में बढ़ा देना चाहिए और अपना प्राणायाम करना चाहिए। और जो नॉनवेज ले सकते हैं वो अंडा, चिकन, वो भी रोस्टेड, तेल मसाला कम हो क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया, तो ये सब चीज़ें, फिश है इसको खाने में बढ़ा दें, तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में लेता है लेना है। और हाइड्रेशन, पानी मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। डॉक्टर साहब आप खाने की जैसे बोल रहे हैं कि बहुत प्रचुर मात्रा में हमें प्रोटीन और हाइड्रेट की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, पर उसका भी एक कोई मिनिमम मतलब ऐसा कुछ डाइट का प्लान होगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यही सोचते हैं कि ऐसा बढ़ाना है तो वो अनलिमिटेड खाने लगते हैं और उसकी वजह से उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसा चीज़ होता है, तो उसका भी कोई क्वांटिटी फिक्स की गई है कि इतनी क्वांटिटी में एटलीस्ट लें, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि उसकी वजह से काफ़ी वेट बढ़ जाता है और ऐसी शिकायत भी देखने के लिए मिली है। नहीं, आप खाने में जो है सलाद की मात्रा बढ़ा दें जी, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें जी, आप सलाद पानी ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने में बढ़ा देंगे तो ऐसा कोई विशेष नहीं कि इतना कोई खा के जो है प्रोटीन खाने से वेट, प्रोटीन बढ़ाने में प्रोटीन का जो है वेट बेयरिंग में बहुत खास मतलब रोल नहीं है वेट बढ़ाने में। अच्छा, फैटी चीज़ें जो होती हैं वेट बढ़ाती हैं। अच्छा, अभी हम जैसे उस पर बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड पे, आपने बहुत सारे जैसे लंग्स के लिए आप बोल रहे थे कि लंग्स की बात हमने की थी, एंड देन हार्ट पे हमने बात की थी, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है, क्या क्या हम कैसे अपने लंग्स को और अच्छा हेल्दी कर सकते हैं एंड हार्ट को कैसे किस तरीके से हम हेल्दी कर सकते हैं पोस्ट कोविड के दौरान पे, काफ़ी क्योंकि उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो किस तरीके से उनको मैनेज किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया जस्ट आपके उसी क्वेश्चन में कि लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइज है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताया आपकी, आपको बैलून को फुलाना है, 10 बैलून सुबह 10 बैलून शाम को फुलाया, घर में बैठे हुए जैसे कैंडल जला लिया उसको ब्लो आप किया, नाक से गहरी सांस लिया उसके बाद उसको फूंक के बुझाया, कितनी कैंडल आप बुझा रहे हैं ये देखते रहिए, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी चेक होती है। आप 30 सेकंड तक प्रॉपर इनहेल करें, फिर उसको ब्रेथ होल्ड करें 30 सेकंड तक, उसको 30 सेकंड बाद देखें, फिर उसको बढ़ाएं 30-40 सेकंड करें, इससे आप लंग्स की जो फाइब्रोसिस होती है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। और आप प्रोटीन की मात्रा खाने में बढ़ा दें और आप जो है हाइड्रेशन बढ़ा दें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो पोस्ट कोविड होने वाली परेशानियाँ हैं, कमजोरी, सर दर्द, ये और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर नींद, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नींद लोग नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर व्हाट्सअप, फेसबुक, ये और फैमिली में जो है, और दूसरा चीज़ है स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करें, सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया ना कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, लोग ये ध्यान रखें, परिवार में लोगों से बात करें, कोई जो है इधर उधर की जो बातें हुई हैं उनकी डेथ हुई है ऐसी कोई निगेटिव इन्वायरमेंट ना बनाएं जिससे कि बचा जा सकता है जी। डॉक्टर साहब हम अगर पोस्ट कोविड से ये जितने भी आपने एक्सरसाइजेज हमें बताई हैं, डाइट प्लान्स बताए हैं, तो अमूमन कितना टाइम लगता है इस पर्सन को पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उनसे रिकवर होने में? 4 से 6 हफ्ते तक आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपके पास ऐसा सिम्टम आता है जो अनयूजुअल होता है, जैसे आपको एकाएक आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाए, और अगर आपको हृदय गति अनियमित हो जाए या आपको चलने पे सांस फूलने लगे, तो ये जो है ये पोस्ट कोविड, इसको ध्यान रखना है। अगर 4 से 6 हफ्ते तक ऐसा कोई लक्षण नहीं आता, आप धीरे धीरे अपनी अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जी सकते हैं। आपने ये जो 4 से 6 हफ्ते का जो टाइम पीरियड बताया है वो क्या हर पर्सन के लिए है या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ये पर्सन 4 हफ्ते में सही हो जाएगा और ये पर्सन 6 हफ्ते का टाइम लगेगा, ऐसा भी कुछ होता है या सबके लिए है कि 4 हफ्ते सबके लिए? देखिए वो टोटल डिपेंड करता है ग्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, वो पेशेंट कैसा हुआ, वो माइल्ड था या मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन हुआ था या सीवियर कोविड इन्फेक्शन हुआ था। अगर पेशेंट को सीवियर कोविड इन्फेक्शन है तो कभी कभी वो 8 हफ्ते तक हमें उसको वॉच करते रहना जी, जी। अगर होम आइसोलेशन में पेशेंट सही हो गया तो हार्डली 2-3 हफ्ते के अंदर वो फिट हो जाते हैं, अगर वो टोटल डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का इन्फेक्शन हुआ जी। डॉक्टर साहब क्या आप ये जो अभी कोविड के साथ ही अभी ब्लैक फंगस, येलो फंगस एंड व्हाइट फंगस का जो एकदम से एक और लहर सी आ चुकी है इनकी, क्या ये भी पोस्ट कोविड के ही सिम्टम्स हैं या ये एक अलग बीमारी है? देखिए मैडम, ये
फंगस, येलो, वाइट, ब्लैक, ये सारी फंगस। फंगस क्या होता है? एक तरह की फफूदी है, जैसे आपने ब्रेड में देखा, कहीं भी देखा, ये सारे फंगस ये इन्वायरमेंट में हैं। होता क्या है, जब आप काफ़ी दिनों तक आप एडमिट हैं, ऐसे पेशेंटों में ज़्यादातर देखा गया है, तो वो पेशेंट एडमिट है, उसको राइस ट्यूब लगी हुई है, वेन फ्लम है, और स्टेरॉयड चल रहा है, और काफ़ी दिनों से 15-15, 20-20 दिन उसकी इम्यूनिटी इससे लो हो गई। तो ऐसी जगह फंगस अपना देखता रहता है, कौन सा है जिसकी इम्यूनिटी लो है, या कोई कार्सिनोमा का पेशेंट है, HIV पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, ऐसे पेशेंट पे फंगस अटैक करता है। उसमें आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामाजिक रूप से हर जगह ब्लैक फंगस, इसकी भी पूरी तरह कोरोना की तरह फैला हुआ ऐसा माहौल बना हुआ कि ब्लैक फंगस, तो इसके लिए तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सबको नहीं हो रहा है, ये माइल्ड केसेस में किसी को भी नहीं है। ऐसा नहीं स्टेरॉयड ले लिया, सिंपल 10 दिन स्टेरॉयड ले लिया, लोग फ़ोन करते हैं कि सर मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है। ज़्यादातर जिसको IV स्टेरॉयड चल रहा है काफ़ी दिनों तक, और वहाँ हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं है, ऐसे लोगों को देखा गया है। उसमें कुछ लक्षण होते हैं जिसको खासतौर पर ध्यान देना होता है। अगर ब्लैक फंगस नाक के थ्रू जाता है मोस्टली, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात एक बताना चाहता हूँ, ब्लैक फंगस छुआछूत की बीमारी नहीं है। ज़्यादातर ऐसी भ्रांतियाँ हैं, ऐसा लोग सोचते हैं कोरोना की तरह डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। ये पहले भी होता था, अब थोड़ा वही है मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये होता है। इसमें लक्षणों का ध्यान रखना है, नाक के थ्रू जाता है ज़्यादातर। अगर नाक से आपको कोई कालापन आ रहा है, कोई पे जो है ब्लड मिक्स, हल्का ब्लड आ रहा है, जो है म्यूकस आ रहा है, तो आप सोचिए कि जो है नाक पे है। उसके बाद आप सीधे आप ENT स्पेशलिस्ट से मिलिए, आपको ब्रेन में जा रहा है, डिलीरियम होता है, थोड़ा चक्कर आता है, पैरानेजल साइनसिस में स्वेलिंग हो जाती है, आँख में लालिमा हो जाता है, डिप्लोपिया, अगर आँख की तरफ चला गया वही फंगस तो आँख में दो दो लोग दिखने लगते हैं। तो ये आँख, आप इसमें एक डॉक्टरों की टीम होती है, इसका इलाज पूरी तरह इसका इलाज है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लें और उसमें लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये जो ब्लैक, वाइट एंड येलो का जो डिफरेंशिएट किया गया है, तो ये कुछ इन तीनों में कुछ अलग अलग है या सिर्फ कलर का ही? नहीं, इसमें कलर कुछ नहीं, ये टोटल फंगल की बीमारियां हैं। ये म्यूकर सेप्टिकस होता है, वो येलो कलर का फंगस होता है। ये पहले भी एक दो केस, एक गाजियाबाद में डॉक्टर त्यागी ने एक केस देखा, उससे येलो फंगस कहा गया। ये टोटल इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ये आते हैं, ये अभी नहीं पहले भी आते थे, केसेस कम होते हैं। अभी थोड़ा जो है पोस्ट कोविड क्या देखने को मिल रहा है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गए हैं लोग, उसमें ज़्यादा मिल रहा है, और कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कुछ करें। जी डॉक्टर साहब, एक ये चीज़ होता है कि इलाज के दौरान जो कोविड का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उस इलाज के दौरान एक एंटीबॉडी बन जाती है जिससे इम्यूनिटी वगैरह आपकी अच्छी बिल्डअप हो जाती है, तो वो इम्यूनिटी आपकी कितने टाइम पीरियड तक बनी रहती है? देखिए, ये सब रिसर्च का विषय है, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार इसीलिए कहा गया है कि आप अगर आपका कोविड से आप रिकवर हुए हो, जब आपका लास्ट फीवर आया है उसके 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाएं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 महीने तक आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की इम्यूनिटी की अभी रिसर्च में है, कोई कोई कह रहा है 6 महीना रहता है, कभी 1 साल रहती है, अभी ये रिसर्च का फील्ड है। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि जो तीसरी लहर चली है, उस तीसरी लहर में बच्चों में एक MISC कोई एक बीमारी है, वो क्या है? MISC बीमारी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि वो आखिर क्या है जो बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है। देखिए, बच्चों में जो MISC आपने कहा, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन चिल्ड्रन, तो ये बीमारी क्या हो रही है बच्चों में, बच्चे आते हैं तो डिफरेंट टाइप का दिखाते हैं कि एक हफ्ते से उनको फीवर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो कई बीमारियों का सिंड्रोम गुच्छा, कई बीमारियां एक साथ आ गई बच्चों को। अगर ऐसी बीमारी हो रही तो आप तुरंत जो है अपने नियरेस्ट पेडियाट्रिशियन की सलाह लें और उनको दिखाएं, क्यूरेबल है, कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, आखिर में सर एक आपसे मैसेज हम चाहेंगे कि इस टाइम जो भी कोविड दौर चल रहा है और अभी जो बीमारियां हाल ही में चल रही हैं, तो एक मैसेज हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए आपसे। देखिए, हम प्राइम TV के थ्रू सभी उनके दर्शकों को ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेके भ्रांतियाँ बहुत हैं कि किसको लगाना है, नहीं लगाना है। अब तो लैक्टेटिंग मदर भी जो हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं,
अपना स्लॉट बुक करें, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। आपके पास यही एक हथियार है, इसको छोड़ना नहीं है। जितना जल्दी हो सके सबके सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जी, थैंक यू सो मच सर। आज हमने सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर संतोष यादव जी से बात की, जिन्होंने हमें पोस्ट कोविड से संबंधित बहुत सारी बातें हमें बताई और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी बताई हैं कि किस तरीके से हम अपने को पोस्ट कोविड से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।